हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई फिस्टलोग्राम कि एमआरआई फिस्टलोग्राम क्या होता है, कौन कौन से सीक्वेंसेस में यूज़ करते हैं और किस लिए हम करते हैं एमआरआई फिस्टलोग्राम। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले एमआरआई फिस्टलोग्राम करने से पहले आपको समझना होगा कि एमआरआई फिस्टलोग्राम हम करते किस पार्ट का हैं। तो दोस्तों, जो एमआरआई फिस्टलोग्राम हम करते हैं, जो हमारा जो रेक्टम होता है पेशेंट का, ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये सिग्मोइड कॉलम है, ब्लास्ट में जो एनस होता है रेक्टम एरिया, इस वाले रीजन का हम एमआरआई फिस्टलोग्राम करते हैं। तो हमारा जितना भी स्कैनिंग फोकस होगा वो इस रीजन पे ही होगा। इसमें ये जो फिस्टलोग्राम होता है, क्या होता है फिस्टुला, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये जो रेक्टम होता है जिसको एनस बोलते हैं, इसके आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू, जो मसल्स होती हैं, इनमें कुछ एबनॉर्मल ट्रैक्ट बन जाते हैं जिनके लिए हम एमआरआई फिस्टलोग्राम करते हैं। तो इसकी एनाटॉमी आपको आना चाहिए। जिस टेक्नीशियन का जितना अच्छा एनाटॉमी होगा वो स्कैन भी इतने अच्छे से ही कर पाएगा। तो ये मैंने जर्नल सा दो इमेज आपको दिखाया कि आपका जो स्कैनिंग फोकस, यानी कि जो स्कैन करते वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, वो तभी बनेगा जब आपकी एनाटॉमी अच्छा होगा। देखिए, ये देखिए, ये द एनाटॉमी ऑफ रेक्टम, ये रेक्टम की एनाटॉमी है। तो जो रेक्टम के जो मसल्स होते हैं, इनमें अबनॉर्मल ट्रैक्ट बन जाता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं। अबनॉर्मल ट्रैक्ट का मतलब है कि जिसको जो नॉर्मल ट्रैक्ट है वो ये है, यहाँ से स्टूल पास होता है, बट होता क्या है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, या राइट लेफ्ट कहीं से भी एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाता है। ये देखिए, एक ट्रैक बन जाता है कि इधर से डिस्चार्ज होने लगता है, जो पेशेंट को जो भी इन्फेक्शन है या एप्सिस बन गया है या उसमें जो पस हैं वो इधर उधर से डिस्चार्ज होने लगती है, जिसको बोलते हैं फिस्टुला, यानी कि फिस्टुला ट्रैक्ट। देखिए, फिस्टुला के लिए भी जो ट्रैक्ट होता है, फिस्टुला ट्रैक्ट, इसके लिए भी फिस्टलोग्राम करते हैं। और ये एनस में जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं इंटरनली और एक्सटर्नल भी हो जाती हैं। ये देखो, यहाँ लिखा भी है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स और इंटरनल हेमरॉइड्स। इन चीज़ों को देखने के लिए हम एमआरआई में फिस्टलोग्राम करते हैं। और देख लीजिए एक दो इमेज, ये देखो, पेरिनियल फिस्टुला, पेरिनल भी बोलते हैं इसको, फिस्टलोग्राम को पेरिनल रीजन के लिए भी आ जाता है स्कैन करने के लिए। लिख देते हैं डॉक्टर पेरिनल एमआरआई, पेरिनियम फिस्टलोग्राम, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस इसी रीजन के लिए होते हैं। ये देखिए, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ये एबनॉर्मल ट्रैक्ट है पेशेंट को, इधर उधर से कहीं से भी फिस्टुला बन जाएगा इस वाले रीजन में। तो पूरा जो भी आप स्कैन करेंगे वो इतने ही फोकस पे स्कैन आपको करना होगा। अब देखिए, अब हमें डिसाइड, जो हम बताते हैं कि 6 o'clock पोजिशन है, 7 o'clock पोजिशन है, ये हमें एक्चुअली पता कैसे चलता है, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए, ये सेम आप ये देख रहे हैं, ये एनाटॉमी, ये T1 इमेज है, एक्सेल की इमेज है, जब मैं करूँगा तो बताऊँगा इसका प्लान क्या होता है। ये देखिए, ये एनएस है ना, एनएस के चारों तरफ जो भी ओपनिंग होगी, हम जो क्लॉक वाइज जो पोजीशन होती है, जो रियल में जो क्लॉक बना हुआ है, देखिए जिस लोकेशन पे फिस्टुला ट्रैक होगा उसकी लोकेशन से ही पता चलेगा कि उसकी पोजिशनिंग क्या है। यदि यहाँ पर ट्रैक्ट है, यहाँ पे, तो उसको 6 o'clock पोजीशन बोलेंगे, यदि यहाँ पे है तो 9 o'clock पोजीशन। जो घड़ी का मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट पे ही इसको डिफाइन करते हैं हम। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि यहाँ अगर यहाँ फिस्टुला है तो उसकी 3 o'clock पोजीशन हो जाएगा। और देखिए, इस वाली इमेज में भी लिखा हुआ है, ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर यहाँ पे है तो राइट o'clock पोजीशन हो गया, 9 o'clock पोजीशन पे राइट साइड में हो गया, यहाँ पे 12 o'clock पोजीशन, यानी कि आप वॉच के अकॉर्डिंग ही इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो लिख देते हैं कि क्वेरी फिस्टुला इन द 6 o'clock पोजीशन पे है या 5 o'clock पोजीशन पे है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको देख के डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इसमें देखिए आप, ये देखिए इस इमेज को अच्छे से देखिए, ये एनस है और यहाँ पे फिस्टुला दिखाने की कोशिश कर रहा है, यही सेम इमेज आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो ये फिस्टुला कौन सा हो गया, 6 o'clock पोजीशन, ये तो वाइट जो दिख रहा है ना आपको, वाइट, ये फिस्टुला है, इसको ट्रैक्ट है, ये फिस्टुला ट्रैक्ट।
तो ये 6 o'clock पोजिशन पर हो गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इसमें कि फिस्टुला कोई अलग से नहीं होता, ऐसे ही होते हैं सारे MRI, ठीक है। अब देखिए ये है, ये पूरा पेरिएनम रीजन है, ये देखिए। तो इसमें कोई इन्फेक्टेड पैथोलॉजी भी हो सकती है, एब्सिस भी हो सकता है, एनल एब्सिस भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए करते हैं हम MRI फिस्टुलोग्राम। तो जो आपका स्कैनिंग का जो फोकस है, जो स्कैनिंग फोकस होगा वो आप इस रीजन को ही कवर करेंगे। ये पेरिएनम जो रीजन होता है पूरा ग्लूटियस मसल्स तक कवर करना होता है स्कैन। तो मैंने स्कैनिंग भी इसी वीडियो में बनाया हुआ है, उसको कंटिन्यू आपको देखना है। और दोस्तों इसमें जो भी मैंने वीडियो में बताया है कि इसमें जो इस्टर सिक्वेंस, जो हम जो ट्रिम सिक्वेंस बोलते हैं, ट्रिम को इस्टर भी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें मोस्टली हम करते हैं जो फिस्टुला हमें दिखाई देता है वो इस्टर पर हाइपर इंटेंस दिखाई देगा आपको, है ना। ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये तो आपको डिफाइन कैसे करना होगा। देखिए जो इसकी सिग्नल इंटेंसिटी है ना, ये देखो, अब ये वाला नहीं है फिस्टुला, ये नहीं है, ये नहीं है। आपको ये 5-10 बार रीड करना होगा, पढ़ना होगा द सिग्नल इंटेंसिटी। इनको क्या बोलते हैं, सिग्नल इंटेंसिटी। आपको सिग्नल इंटेंसिटी से पता चलेगा कि यही फिस्टुला, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। तो आपको इस्टर सिक्वेंस बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि इस्टर पर जो पैथोलॉजी की जो इंटेंसिटी होती है, जो सिग्नल इंटेंसिटी है, वो किस टाइप की होती है। हाइपर इंटेंस होती है जो पैथोलॉजी होती है ना। और भी चीज़ें जो हाइपर दिखती हैं तो वो आपको डिफाइन करना, अब ये तो सारे फिस्टुला नहीं है, ये वो नहीं। तो आपको सारी चीज़ें 5-10 बार आप रीड करेंगे, कम से कम 150 इमेज देखेंगे फिस्टुला की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने तो इस वीडियो में आपको बताया हुआ कि स्कैन का जो फोकस पॉइंट है वो क्या होता है, इसलिए करते हैं। और आप इसकी एनाटॉमी को और अच्छे से डिटेल्ड में एनाटॉमी पढ़नी है आपको फिस्टुलोग्राम की, और स्कैनिंग करना भी मैंने आपको बताया इसमें। तो दोस्तों 1x1 करके आप सारे MRI सीख जाएंगे, बस आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिकली हाउ टू डू MRI फिस्टुलोग्राम। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MRI फिस्टुलोग्राम। MRI फिस्टुलोग्राम करने का क्या मेथड है और क्या इसमें प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पेशेंट का नाम, एज, वेट, और यहाँ से आप स्टडी का सिलेक्शन करेंगे, प्रोटोकॉल। तो ये पेल्विस के अंदर आता है MRI फिस्टुलोग्राम। अभी हमने पेशेंट को फीट फर्स्ट सुपाइन में लिटाया हुआ है, फीट फर्स्ट सुपाइन, ये करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम कन्फर्म। तो दोस्तों इस MRI में भी आपको पहले लोकलाइजर रन करना होगा। 3 लोकलाइजर हमें चाहिए किसी भी MRI को करने के लिए। तो गाइज सबसे पहले आपको इस MRI फिस्टुलोग्राम के अंदर ट्रिम सेज सिक्वेंस को अप्लाई करना होता है, ट्रिम सेज। तो गाइज MRI फिस्टुलोग्राम करने के लिए आपको तीनों सिक्वेंस ओरिएंटेशन की ज़रूरत होता है, सेज, कॉर्नल एंड एक्सियल। तो सबसे पहले आप इसमें सेज सिक्वेंस को रन करेंगे सेज ओरिएंटेशन में। तो जो इसका प्लानिंग है ये हम रेक्टम के पैरेलल करते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टम के पैरेलल प्लानिंग करते हैं इसमें। तो एक कॉर्नल इमेज है, रेक्टम के पैरेलल प्लान किया, और एक्सियल में भी हमने रेक्टम के पैरेलल प्लानिंग कर दिया। ये मैंने यहाँ पे कॉइल होती हैं सीमेंस में, कॉइल हैं बॉडी कॉइल्स, स्पाइन में अटैच होती हैं ये। तो इनको मैंने ऑन कर दिया है। और जो आपका FOB होगा, ये FOB आपको ग्लूटियस रीजन पूरा कवर करना है। ये देखिए फिस्टुलोग्राम वाला जो रीजन है ये आपको पूरा कवर करना है, इतना आपका FOB रहेगा। पूरा ग्लूटियस जो मसल्स होता है उससे आपको कम से कम 10 mm नीचे आपका FOB रहेगा। तो इस टाइप से आप सेट सिक्वेंस को रन करेंगे, कॉर्नल पे रेक्टम के पैरेलल जाएगा और एक्सियल में भी रेक्टम के पैरेलल जाएगा। और इसका स्टार्ट और एंड लोकेशन ये है कि आपको पूरा ग्लूटियस रीजन्स आपको कवर करना होता है। बहुत इजी है दोस्तों MRI फिस्टुलोग्राम करना। तो अभी हम सिक्वेंस को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई। अब वेट करेंगे सेज सिक्वेंस आने का, फिर उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर फिस्टुलोग्राम है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे।
तो सेट सिक्वेंस आने के बाद हम करते हैं कॉर्नल और एक्सल का प्लान। तो इसमें ट्रिक यही था कि आप फिस्टुलोग्राम में सबसे पहले सेट सिक्वेंस को रन करेंगे रेक्टम के पैरेलल कॉर्नर और एक्सल इमेज में, और ट्रिम सेट सिक्वेंस रन करोगे आप फिस्टुलोग्राम में। दोस्तों सेट सिक्वेंस है ये आने वाला है, इस जो सेट सिक्वेंस होगा इस पे हमें फिस्टुलो जो ट्रैक्ट है जिसके लिए हम स्कैन कर रहे हैं वो हमें पहले इसमें ढूंढना होगा कि कहाँ पे है इस पेशेंट को फिस्टुला। तो इसका सिक्वेंस टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये हैवी सिक्वेंस होता है ट्रिम, और थिन सेक्शन में भी रन करते हैं इसको। तो सिक्वेंस आने वाला है, यहाँ पे स्कैन का टाइमिंग चलता है और ये इसमें सिक्वेंसेस यूज़ करते हैं हम, ट्रिम सेज, ट्रिम कॉर्नर, ट्रिम एक्चुअली इसमें ज़्यादातर सिक्वेंस इस्टर ही चलाते हैं, ट्रिम को इस्टर भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये सिक्वेंस अब कंप्लीट होने वाला है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इस रीजन के लिए कर रहे थे, अब हमें ये देखना होता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको एप्सिस बन गया है, तो यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको करने से पहले क्या देखना होगा, इसका अनाटमिकल, ये जो सिग्मोइड कॉलोन है, सिग्मोइड कॉलोन से जो रेक्टम आता है ना, ये इस रेक्टम के पैरेलल प्लानिंग करते हैं हम कॉर्नल के लिए। देखिए ट्रिम कॉर्नल सिक्वेंस है, ये इधर लेके आओ, ओपन करो। तो ये जो रीजन है आपका, जो इस पे जो स्टार्ट एंड लोकेशन लगाएंगे आप, ये पूरा जो एनल जक्शन जो होता है, जो रेक्टम है ये ना, रेक्टम देखना आना चाहिए आप, वो ये ऊपर कॉलोन है, ये सिग्मोइड कॉलोन है, सिग्मोइड कॉलोन से ही नीचे पूरा रेक्टम होता है। तो इस रेक्टम के पैरेलल हमने प्लान करा, बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके पैरेलल हमने प्लान कर दिया, और पूरे आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ भी पेशेंट को पैथोलॉजी आ रही है, ये आपको पूरा कवर करना है। इसको कवर करने के लिए आपको स्लाइसेस इंक्रीज करने होंगे, ये स्लाइसेस आपने इंक्रीज कर दिए, ये देखिए ये पूरा मैंने कवर कर लिया। ये कॉर्नल का प्लान है, फिस्टुला का कॉर्नल का प्लान कि रेक्टम के पैरेलल आपने करा, और आप इधर ये FOV आपका हो गया कॉर्नल के लिए। ये आगे सेट बैंड है, अगर आप सेट बैंड भी नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेट बैंड हटा देता हूँ मैं, ये सेट बैंड मैंने नन कर दिया। देखिए ये हो गया आपका कॉर्नल पे FOV है, ये इसका प्लान था, इस स्कैन के स्टार्ट लोकेशन ये है और एंड लोकेशन यहाँ पे है, ये है इसको एप्सिस हो गया है, इसको ये एनल रीजन में एप्सिस है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, 5 मिनट की सिक्वेंस है, ये देखो तीनों इमेज पे आपको सेंटर करना होता है। ये देखिए ये कॉर्नल का प्लान हो गया, ये कॉर्नल पे FOV हो गया, इसको अप्लाई कर देते हैं, ये 5 मिनट तक कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद हमारा कॉर्नल इमेज आएगा, फिर एक्सेल का प्लानिंग करेंगे। अब देखिए अब आपको करना है एक्सेल का प्लान, ओपन करिए, ये दोनों प्लान सेज इमेज पे ही होंगे, ओपन करिए। अब जाएगा ये रेक्टम के परपेंडिकुलर, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं इसमें करने में, ये देखो आपको रेक्टम देखना आना चाहिए इसमें, ये रेक्टम है। आपको कैसे पहचानना होगा, इस कॉलोन है, इंटेस्टाइन है, ये सिग्मोइड कॉलोन में एयर दिख रहा है, एयर से नीचे सीधा यहाँ पे क्या आएगा, रेक्टम। तो अब इसको आप कवर करोगे दोस्तों, अब ये एक्सेल का जो प्लान है ये रेक्टम के परपेंडिकुलर है, ये देख लीजिए ये रेक्टम है और ये स्कैन इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है, क्यों रेक्टम के और इस प्लानिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगुलेशन आ रहा है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगुलेशन है इसमें। तो ये आपको अब जो इसका स्टार्ट एंड लोकेशन है, ये पूरा ग्लूटियस मसल्स तक, ये ग्लूटियस मसल्स नहीं कटना चाहिए, जैसे अभी भी यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, बढ़ाओ इसको, ये लीजिए है ना, ऐसे कवर करना है। और ये जो ब्लाडर है आपका, लोअर ब्लाडर से आपको करना है ये, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पूरा रेक्टम बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ये हो गया। और ये फेज ओवर सैम्पलिंग है, थोड़ा इंक्रीज कर दो, इंक्रीज किस लिए करना है कि ये जो आप जो पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये इसमें हट जाएगा। तो ये था दोस्तों ओनली फिस्टुलोग्राम का प्लान, इसमें यही प्लानिंग होती है, एक्सेल साइज कॉर्नल, हर एक MRI में एक्सेल साइज कॉर्नल तीन ही प्लान होते हैं,
और इसका देखो अब एफ ओ भी आपको सेंटर करना है, ये देखिए एफ ओ भी आपको बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए इसको, ये हो गया एफ ओ भी सेंटर में। अब इसको कर दोगे आप अप्लाई, ये कर दिया अप्लाई, ये भी 5 मिनट का सीक्वेंस है। तो गाइस ये कॉर्नल सीक्वेंस कंप्लीट होने वाला है, तो इस कॉर्नल को भी हम ओपन करके देखेंगे। ये एक्सेल का प्लान ओपन कर लिया, ये देखिए ये कॉर्नल इमेज है, ये देखिए खूब अच्छे से दिखाई दे रहा है इसमें इसको। ये फिस्टुला ट्रैक्ट है, ये ऊपर एब्सिस हो गया, ये फिस्टुला है लेफ्ट साइड में आ रहा है इसको, ये देखिए ये फिस्टुला है इसका ना। ये कवर कर लिया हमने पूरा, ये कॉर्नल पे पूरा परपेंडिकुलर प्लान है, और इस पर आप एक्जेल पे भी देख लीजिए, साइज पे भी देख लीजिए आप, रेक्टम के परपेंडिकुलर प्लान किया हुआ है मैंने ओब्लिक, तो इसको ओब्लिक एक्जेल भी बोल सकते हैं आप, है ना। ये देखिए ये एक्जेल का प्लान है पूरा, आपने ग्लूटियस रीजन को पूरा कवर करना है, ज़रूरी नहीं कि इसमें हिप जॉइंट कवर करेंगे आप, पूरा रेक्टम वाला जो रीजन है ये एनल रीजन इसको कवर करना है। अप्लाई, तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं हम, देखिए अपने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आपके पास सीक्वेंसेस, ये लोकलाइजर थे कॉर्नल एक्सियल एंड सेज। तो ये जो सेज इमेज है आपकी, ये एक्सियल है कॉर्नल, तो सबसे पहले आपने क्या करा था, ट्रिम सेज सीक्वेंस को प्लान किया था ऐसे। तो जब सबसे पहले ट्रिम साइज को क्या करा था आपने, रेक्टम के पैरेलल प्लानिंग करी थी दोनों इमेजों पर, एक्जेल और कॉर्नल दोनों पर रेक्टम के पैरेलल, और ग्लूटियस रीजन को आपने कवर किया था, और ये स्ट्रेट बैंड आपने लगा दिया ऊपर की तरफ यहाँ पे। ये था इसका साइज का प्लान जो हमने इस इमेज के लिए किया था, देखिए ये रहा साइज इमेज का प्लानिंग ये है। उसके बाद आपने करा था कॉर्नल प्लानिंग, तो एक कॉर्नल सीक्वेंस है ओपन करिए, कॉर्नल को आपने किया था रेक्टम के पैरेलल सेज इमेज के ऊपर, ये सेज इमेज है रेक्टम के पैरेलल आपने प्लान किया था, और इसको पूरा कवर करते हुए ये आपने कवर कर लिया स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन, और इसका प्लानिंग ये था। ये देखिए इस टाइप से आपने ये कॉर्नल सीक्वेंस रन किया था, और एक्सेल अभी हमारा चल रहा है, और एक्सेल का प्लान था हमारा ये देखिए सेज इमेज पर रेक्टम के परपेंडिकुलर। बहुत इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है इसको करने में, फिस्टुला को ये देखिए, फिस्टुलोग्राम स्टडी है, पेरिनियम भी बोलते हैं इसको, एमआरआई पेरिनियम, ये देखिए ये आपने इसको ग्लूटियस मसल से पूरा कवर करते हुए कवर कर लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड तक कवर कर लो आप, एक आध दो सेक्शन ज़्यादा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये आपने पूरा स्कैन कवर कर लिया, ये कॉर्नल पे पूरा कवर करा, रेक्टम के परपेंडिकुलर प्लान है ये देखिए, और ये एक्सेल पे एफ होगी। तो दोस्तों ये 3 प्लान थे एमआरआई फिस्टुलोग्राम में, तो प्लानिंग कंप्लीट हुआ, अब आप सीखेंगे इसकी फिल्मिंग करना कि एमआरआई फिस्टुलोग्राम की फिल्मिंग किस टाइप से की जाती है। गाइज अब हमें सीखना है कि एमआरआई फिस्टुलोग्राम की हमें फिल्मिंग क्या कैसे करनी है, कौन कौन से फिल्म हमें देना चाहिए, तो अब देखते हैं। तो विकास पेशेंट का हम फिस्टुलोग्राम कर रहे थे, जिसमें हमने पहले ट्रिम सेट सिक्वेंस करा था, ट्रिम कॉर्नल और ट्रिम एक्जल और T1 एक्जल, इसमें 4 सिक्वेंस ही मोस्टली होते हैं। अब करने को आप एक दो एक्स्ट्रा और भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है, मोस्टली जो यूजेस हैं इसमें यही है, तीनों स्टर इमेज आपको चाहिए, एक्सेल कॉर्नल एंड सेज। तो सबसे पहले हम सेज को देखेंगे, ये हमने सेज किया था, और ये वाला इसको एप्सिस है, एनल एप्सिस है, और इसको यहाँ पे फिस्टुलोग्राम है। तो अब हमें इसका फिल्मिंग बनाना है, तो फिल्मिंग बनाना बहुत सिंपल है इसमें, ये हम सेलेक्ट सीरीज करेंगे। सेलेक्ट सीरीज क्यों करेंगे, कि इस सीरीज की हमें सारी इमेज प्रिंट पे सेंड करनी है, यहाँ से ये प्रिंट करने का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी टू फिल्म सीट, ये फिल्म पे आ गया। अब हमें जो फिल्मिंग में मोस्टली जो चीज़ें दिखानी है वो हमें रेक्टम वाला एरिया ही दिखाना होता है इस टाइप से। ये जो इसमें एक्स्ट्रा इमेजेस हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कर लिया हमने, ये इमेजेस सारे सब वेस्टेज हैं। और ये आप देखिए यहाँ से फॉर्मेट आप कम कर सकते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, 2-4 दिन में आप सीख जाएंगे।
ये देखिए, अब ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है इसके लिए, फिश किलोग्राम के लिए। ये देखिए, हम चाहें तो इसका ये एनोटेशन थोड़ी कम कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप से आपकी फिश किलोग्राम की फिल्म बनेगा, क्योंकि आपको आपका जो फोकस है, स्कैनिंग का जो फोकस है, कहाँ होना चाहिए, एनल रीजन में, रेक्टम के आसपास की चीज़ें, पूरा ग्लूटियस, इसको पेरिनियम रीजन भी बोलते हैं। तो एक इमेज तो इस टाइप से बन जाती है, ये साइज की इमेज होगी, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। अब हमें बनाना है दूसरा प्रिंट आउट ट्रिम कॉर्नल का। ये देखिए, यही वीवर ओपन करेंगे इसको। इमेज को पहले आपको देखना है कि प्रिंट आपका जो स्कैन हुआ है वो ठीक है या नहीं है, कहीं से कट तो नहीं गया है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये बेसिकली ये रीजन था, एनल रीजन था, ये ग्लूटियस मसल्स है ये। उसके बाद सेलेक्ट सीरीज करके इसको भी हमें कॉपी टू फिल्म शीट कर देना है। ये आ गया, इसमें भी वही चीज़ें करनी है, आपकी अनाटमी अच्छा होना चाहिए एमआरआई करने के लिए। अब देखिए, ये इसमें भी आप कितना रीजन दिखाएंगे, ये देखिए, इस टाइप से आपकी बन गई है कॉर्नल इमेज। यदि आपको इसमें से ट्रैक देखना आता है, जैसे मैंने बताया है वीडियो में पहले, जो ट्रैक हमने देखा था जिसकी पोजिशनिंग हम पहले बात कर रहे थे, 6 o'clock पोजिशन ये है, तो इस टाइप से अगर आपको ट्रैक दिख रहा है तो आपको एक इमेज में आप उसको जूम करके अलग से भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं फिल्मिंग करने के। फिल्मिंग का मोस्टली यही होता है कि पैथोलॉजी दिखना चाहिए फिल्म पर। तो ये बन गया है आपका इस्टर कॉर्नल इमेज, इसको भी प्रिंट कर देते हैं। अब बनाते हैं आपका इस्टर एक्सियल। ये तीनों आपको इस्टर इमेज या ट्रिम इमेज तीनों देनी होती हैं, और ये आप कॉपी टू फिल्म शीट कर दीजिए। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसका जो रिवर्स ऑर्डर है, ये जो भी फिल्म जाएगी सुपीरियर टू इन्फीरियर ही जाएगी एक्सियल की। एक्सियल में कभी भी जो इमेज जाती है वो इन्फीरियर टू सुपीरियर नहीं जाती है, सुपीरियर टू इन्फीरियर ही जाती है इमेज एक्सियल की। अब देखिए, इसको भी आप फॉर्मेट सेट कर लीजिए, एनल रीजन ही दिखाना है इसमें भी, क्योंकि बेसिकली हमने एनल रीजन के लिए स्कैन किया हुआ है। ये देखिए, ये हो गया आपका इस्टर एक्सियल की फिल्म। ये सेक्शन वेस्ट है, हटा दो इनको। ये देखिए दोस्तों, तो इस टाइप से इमेज ये कंप्लीट होती है फिल्मिंग। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि हमने जो फिस्टोलोग्राम का प्लानिंग किस टाइप से किया था, उसका करने का मेथड क्या है, कौन कौन से सीक्वेंस हमने मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं, और आपने फिल्मिंग भी सीखा। आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करिए, और अनाटमी को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।